डियर एस्पिरेंट्स, जब गांव से शहर जा रहे होते हो ना, तुम अपनी आंखों में अनंत सपने और ढेर सारी उम्मीदें लेकर, तब तुम्हारी जीत का इंतजार घर की कच्ची दीवारों को भी होता है, क्योंकि माँ का मान और पिता का स्वाभिमान हो तुम। मुझे पता है कि समय कठिन है, तुम बहुत सारी उलझनों और परेशानियों में उलझ चुके हो। तुम कहना और करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन डरते हो कि लोग क्या कहेंगे। सुनो, ये वक्त बस यूं ही इस उधेड़ बुन का नहीं है, हर सेकंड बहुत कीमती है तुम्हारा। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जिंदगी जीना छोड़ दो, मैं बस ये कह रहा हूं कि तुम्हारी सारी परेशानियों और सारे प्रश्नों पर इस बार अंतिम प्रहार होना चाहिए। देखो, बात बस इतनी है कि कभी कभी ना बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, जैसे किसी का साथ, किसी की बात या किसी से मुलाकात। मगर ये जिंदगी ना रुकती नहीं है, तो जैसे ट्रेन के आगे बढ़ने पर, चलने और रुकने पर नए स्टेशन आते हैं, यात्री उस पर चढ़ते और उतरते हैं, लेकिन ट्रेन अपनी मंजिल पर ही जाकर रुकती है, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपनी मंजिल पर ही जाकर रुकना है। मुझे पता है कि परीक्षा के करीब आते ही तुम्हारी घबराहट कैसे बढ़ने लगती है, तुम्हारे मन में एक सवाल आने लगता है कि अगर सिलेक्शन या एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। तुम रातों को बेचैन हो उठते हो, क्योंकि तुम्हारी जीत का इंतजार बहुत लोगों को है ना। देखो, तुम्हारी जीत पक्की है, बस खुद के साथ ईमानदार रहना। तुम करना एक और प्रहार, मगर खुद को मिटा कर नहीं, बल्कि हंसता हुआ चेहरा लेकर। और सुनो, तुम कर लोगे, मेरा यकीन मानना। कभी मोबाइल के नोटपैड पर, कभी किसी कॉपी के पिछले पन्ने पर, या कभी किसी किताब के बीच, किसी रात तुमने कुछ ख्वाब लिखे होंगे, कुछ वादे किए होंगे खुद से। सुनो, उन ख्वाबों उन वादों को भूलना मत, बस बढ़ते रहना अपनी मंजिल की ओर, फिर एक दिन ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे।